चलो दोस्तों, आज आपको कुरलाई फोर्ट दिखाते हैं। यह फोर्ट महाराष्ट्र के अलीबाग जिले में है। आज हमारे साथ है नीरजा, आसिफ भाई और चित्रा। 1521 में पोर्टुगीज ने अहमदनगर के सुल्तान बुरहान निज़ाम से परमिशन लेकर यह किला बनाया था। किले में आने के लिए 11 गेट बनाए गए थे। 4 गेट आउटर है और 7 इनर गेट है। हमारे पीछे ये किले का पहला गेट है। ये पहली तटबंदी है जहाँ पे 4 तोप रखी गई है। किले पे ऐसे टोटल 17 तोप आज भी मौजूद है। छत्रपति संभाजी महाराज ने ईस्वी सन 1687 में इस किले को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली थी। फिर मराठाओं ने 1739 में इस किले को फिर से जीत लिया था। अब तो इस किले की सिर्फ दीवारें बची है और एक तटबंदी है जो अच्छी कंडीशन में है। किले पे से आपको अरबी समुद्र का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये रोड है जो आपको कुरलाई लाइट हाउस तक लेके आता है। किले पे एक पानी की टाकी है जिसका पानी 12 महीने पीने लायक रहता है। एक डब्बे में रस्सी बंधी हुई है और बस इसी से आपको पानी निकालना है टाकी में से। पानी एकदम ठंडा और एकदम क्लीन पानी है। गर्मी बहुत थी तो हम इस पानी से मुंह धो के फ्रेश हो गए। पानी एकदम क्लीन और ठंडा पानी था तो मज़ा आ गया फ्रेश होने को। તરસ્યાને પાણી પીવડાવે છે આસિફ ભાઈ। ये चर्च 1630 में आर्मी के लिए बनाया गया था जो 1728 तक फंक्शनल था। किले पर एक छोटा मंदिर भी है। बुरुज पे तोप रखी हुई है और ये बुरुज काफी अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। ऊपर से कुछ इस तरह लाइट हाउस का व्यू है। और चलिए अब आपको कुरलाई का लाइट हाउस दिखाते हैं। ये लाइट हाउस 1955 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। आज ये लाइट हाउस नेवी और कोस्ट गार्ड के अंडर में है। लाइट हाउस के साथ एक रडार है जो हर वक्त पिक्चर लेते रहता है और डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कोस्ट गार्ड को वो सारे पिक्चर भेजे जाते हैं। ₹100 की किंमत आहे। तेच बल्ब आमच्याकडे ₹100 मध्ये 3 भेट।
आज का खाना है पाव भाजी। यहाँ मंदिर में बैठा छे चित्रा की तरफ से। ना ना चढ़ाई गयो एक फोट थाई गयो पाव एक मंदिर। और ये है शीरा जम्मा बैठा छे। ये निर्जा की तरफ से आ जाओ खाने के लिए। और ये खड़े है आसिद भाई जो कुछ खाएंगे नहीं तो हम। नारळ पोफळीच्या गर्द छायेत विसावलेले चौल हे नयनरम्य गाव अलिबाग रेवदंडा मुख्य रस्त्यावर असून अलिबाग पासून 18 किलोमीटर अंतरावर आहे। इसवी सन पूर्व 5व्या शतकापासून चौलचा एक व्यापारी केंद्र असा उल्लेख आढळतो। इसवी सन 130 सालापासून चौलचा नामोल्लेख असणारे अनेक पुरावे आढळून येतात। 15 पाखाड्यांमध्ये विभागलेला होता आणि या 15 पाखाड्यांपैकी भोरसी पाखाडीत चौलचे ग्रामदैवत श्री रामेश्वर मंदिर आहे जे की आज आपण बघणार आहोत। हे या रामेश्वर मंदिरामध्ये 3 कुंड आहेत आणि ही 3 कुंड म्हणजे त्यातलं पहिलं कुंड आहे पर्जन्य कुंड, अग्निकुंड आणि वायुकुंड। ही सगळी कुंड गावावरती येणाऱ्या संकटांच्या वेळेला उघडली जायची अशी आख्यायिका इथले काही लोकही सांगतात आणि तसा उल्लेख पुस्तकांमध्ये सुद्धा सापडलेला आहे। चला आपण आतमध्ये आता गाभारा बघायला जाऊयात। पूर्वाभिमुख असलेल्या रामेश्वर मंदिराचा गाभारा सुमारे 4.42 बाय 4.42 मीटर असून रामेश्वर मंदिराच्या दर्शनास सभा मंडपात आपण उभे राहिले असताना आपल्या उजव्या म्हणजेच उत्तरेच्या बाजूच्या कमानी नारायणाच्या मूर्तीसमोर आपल्याला पर्जन्यकुंड दिसतं। पाऊस पडत नाही तेव्हा हे पर्जन्यकुंड उघडलं जातं आणि यातलं प्रत्येक कुंड जे आहे हे 1.22 चौरसाकृती आहे। 1941 मधील आवर्षणाच्या वेळीही पर्जन्यकुंड उघडल्याचे म्हणतात। शेवटी सन 1942 रोजी हे कुंड उघडल्याचे साक्षीदार आजही हयात आहेत असं म्हटलं जातं। झालं मंदिरासमोरचे पुष्करणी जी आहे तिची दुरुस्ती 1838 मध्ये झालेली होती आणि त्यावेळेला या पुष्करणीच्या दुरुस्तीचा खर्च 500 रुपये आलेला होता। चौलचं रामेश्वर मंदिर हे साधारणपणे 400 वर्षापूर्वीचं असावं असा एक अंदाज बांधण्यात येतो। इटालियन प्रवासी डेला व्हॅली यांनी या मंदिरात 1625 साली भेट दिली होती आणि या